हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल सिसोदिया एकेडमी। देखिए, रीड मैन एग्जाम थर्ड ग्रेड लेवल वन एंड टू के लिए हम मैथ देख रहे हैं। देखिए, मैथ में आज देखेंगे हम क्षेत्रफल एवं परिमाप। क्षेत्रफल एवं परिमाप में देखेंगे चतुर्भुज। ये जो क्लास है आपकी, वो रीड मैन एग्जाम के साथ साथ जितने भी अदर्स एग्जाम है, अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, ये सभी एग्जाम के लिए क्लास काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है। देखिए, क्षेत्रफल एवं परिमाप चतुर्भुज देखेंगे इसमें, और क्षेत्रफल एवं परिमाप आप जानते हैं। देखिए, अगर आयतन निकालते हैं हम, अगर वॉल्यूम की बात होती है तो वो 3D फिगर होते हैं, और जिनमें एरिया की बात होती है वो कौन से होते हैं, 2D फिगर होते हैं। कहने का मतलब कृतियाँ होती हैं, उनका क्षेत्रफल निकलता है, उनका वॉल्यूम ज्ञात नहीं कर सकते, आयतन ज्ञात नहीं कर सकते। और जो 3D फिगर होते हैं, उनका हम वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, और प्लस एरिया यानी क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। चतुर्भुज में देखेंगे हम समचतुर्भुज, सेकंड समलंब चतुर्भुज, तीसरा समांतर चतुर्भुज, चौथा आयत, और पाँचवा वर्ग। देखिए, पहले हमें इन पांचों के ऊपर, जो भी चतुर्भुज में ये पार्ट है, इन सभी के ऊपर जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं, उन्हें कवर करेंगे। फिर अगले वाले पार्ट में हम इन सभी पांचों पॉइंटों पर जितने भी क्वेश्चन संभव होंगे, विभिन्न परीक्षा में पूछे गए हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट है, उन सभी क्वेश्चनों को हम देखेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। देखते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज को रोम्बस बोलते हैं। समचतुर्भुज होता क्या है? देखिए, फिगर से आपको क्लियर हो रहा होगा, ए बी सी डी ए समचतुर्भुज है, और समचतुर्भुज में जो चारों भुजाएं होती हैं, पहला पॉइंट लिखा हुआ भी है, चारों भुजाएं कैसी होती हैं, समान तथा आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, समांतर होंगी। चारों भुजाएं समान होंगी, ए बी बी सी सी डी और फिर ये डी ए, तो चारों भुजाएं समान होंगी। कितनी मानी हमने, ए ए और ए, चारों भुजाएं समान है, और आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। यानी कहने का मतलब, ए बी भुजा सी डी के समांतर होगी, और जो ए डी भुजा वो किसके समांतर होगी, बी सी के समांतर होगी। अच्छा, उसके बाद देखिए, आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। जो कोण है, कोण ए कोण सी के बराबर होगा, कोण बी और कोण डी के बराबर होगा। तीसरी कंडीशन क्या होती है समचतुर्भुज पहचानने की, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समकोण पर यानी 90 अंश के एंगल पर क्या करते हैं, समान दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। जो ओ पॉइंट है फिगर में, वो ओ पॉइंट पर कितने अंश का एंगल बनेगा आपका, 90 अंश, क्योंकि विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जो देखिए, ए सी विकर्ण और बी डी विकर्ण है, वो एक दूसरे को कितने पार्टों में डिवाइड करेंगे, समद्विभाजित करेंगे, यानी समान दो पार्टों में भी डिवाइड करते हैं बिंदु ओ पर। चलिए, ये तो समचतुर्भुज की बात रही, फिगर के अकॉर्डिंग समचतुर्भुज होता क्या है, पहचान कैसे करते हैं, अब देखते हैं इनके ऊपर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। खास करके देखिए, हमें क्षेत्रफल एवं परिमाप, क्योंकि 2D हम क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करते हैं। तो देखिए, परिमाप क्या होता है समचतुर्भुज का, पहला फॉर्मूला है समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, चार भुजा को जोड़ दो, परिमाप ज्ञात हो जाता है। जब हम चार भुजा को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा परिमाप, 4A क्या है, यहाँ पे समचतुर्भुज की भुजा है। दूसरा फॉर्मूला, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए यहाँ पर अगर हमें विकर्ण ज्ञात है, समचतुर्भुज के अगर विकर्ण ज्ञात है, पहला विकर्ण मान लेंगे D1 और दूसरा विकर्ण क्या मान लेंगे, D2। अगर हमें विकर्ण पता है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 D1 × D2। D1 है पहला विकर्ण और D2 क्या है, दूसरा विकर्ण। अच्छा, अगर बात करें हमें विकर्ण एक पता है, ये रिलेशन होता है किसमें, भुजा में और विकर्ण में, ये D1 और D1 D2 स्क्वायर है। तो रिलेशन क्या होता है, 4A² बराबर होता है D1² + D2² इससे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, जैसे हमें एक विकर्ण दे दिया जाए, भुजा दे दी जाए, तो हम दूसरा विकर्ण ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर दोनों विकर्ण दे दिए जाए तो हम इससे भुजा भी ज्ञात कर सकते हैं। तो उस तरीके से हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, 4A² बराबर D1² और प्लस क्या होता है, D2² होता है। हमें समचतुर्भुज का बेस पता हो और हाइट पता हो, परपेंडिकुलर हाइट, वो भी फिगर से हम कौन सी हाइट निकाले, परपेंडिकुलर हाइट, लंबवत ऊंचाई, तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला ये भी होता है। क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, क्षेत्रफल बराबर हम आधार इंटू ऊंचाई के जरिए से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये कब लगेगा, जब हमें बेस पता हो, परपेंडिकुलर हाइट पता हो, तो हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार इंटू ऊंचाई के जरिए से भी निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट समलंब चतुर्भुज के बारे में। पॉइंट है समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपेजियम, ये क्या होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाओं का सिर्फ एक युग्म समांतर होता है, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। जैसे फिगर में देखिए, ए बी और सी डी, तो ए बी और सी डी जो भुजाएं हैं आमने सामने की भुजाएं, तो ए बी और सी डी आमने सामने की भुजाएं, तो इनका युग्म ए बी और सी डी कैसी है, समांतर है, तो कैसा कहलाएगा, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। अच्छा, जो ए बी सी डी है वो डी पॉइंट से परपेंडिकुलर हेड डाली गई है, जो लंबवत ऊंचाई वो कितनी है, एच है,
और ए बी भुजा की लंबाई कितनी है ए और सी डी भुजा की लंबाई कितनी है बी है। चलिए देखते हैं फिर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू ऊंचाई परपेंडिकुलर ऊंचाई लंबवत ऊंचाई जो कि एच है फिगर में और इंटू समांतर भुजाओं का योग ए बी और कौन सी भुजाएं हैं वो सी डी भुजाएं उनका योग। तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/2 इंटू लंबवत ऊंचाई h और समांतर भुजा ए बी की भुजा ए है और जो सी डी है वो कितनी है b है। तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 इंटू एच इंटू ए प्लस बी ये समांतर भुजाओं का योगफल प्राप्त हो जाता है। चलिए देखते हैं तीसरा समांतर चतुर्भुज के बारे में। समांतर चतुर्भुज को पैरालेलोग्राम बोलते हैं। समांतर चतुर्भुज होता क्या है देखिए क्या होता है समांतर चतुर्भुज पहला पढ़ा था अपने सम चतुर्भुज रोम्बस और पैरालेलोग्राम इनमें मात्र थोड़ा सा डिफरेंस होता है वो अभी डिफरेंस भी देखेंगे हम। देखिए पहली बात आमने सामने की भुजाएं बराबर वो कैसी होती हैं समांतर होती हैं। देख सकते हो आप जो आमने सामने की भुजाएं हैं बी है वो बी के बराबर है यानी ए बी और सी डी ये आपस में कैसी होंगी भुजाएं बराबर होंगी और कैसी होंगी समांतर। जैसे इधर एक्स समान है उधर भी एक्स समान है ये भी कैसी होंगी बराबर होंगी और कैसी होंगी समांतर होंगे। अच्छा दूसरी बात आमने सामने के कोण कैसे होते हैं बराबर होते हैं जो आमने सामने के कोण होंगे वो कैसे होंगे इनके बराबर होंगे। अच्छा तीसरी बात बेकार एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। देखिए ये दोनों पॉइंट तो समचतुर्भुज में भी होते हैं समचतुर्भुज में दोनों सेम होते हैं तीसरे पॉइंट में थोड़ा सा अंतर होता है बस। अगर बेकार एक दूसरे को समद्विभाजित करें 90° के कोण पर तो क्या हो जाता है वो समचतुर्भुज और बेकार एक दूसरे को समद्विभाजित करें लेकिन 90° के कोण पर ना करें तो क्या हो जाता है वो समांतर चतुर्भुज हो जाता है ये अंतर होता है फिगर से आपको क्लियर है। अच्छा देखिए फिगर में जो बेस है वो कितना माना है हमने बी सम्मुख भुजा बराबर तो ये भी है तो ऊपर वाली भुजा भी होगी। अच्छा इधर कितनी मानी हमने भुजा एक्स मानी जो चौड़ाई है ठीक है और इसकी जो परपेंडिकुलर हाइट है वो कितनी मानी हमने एच मानी है। तो परिमाप अगर हम निकालें तो परिमाप कैसे निकालेंगे समांतर चतुर्भुज का परिमाप पी से डिनोट कर रहे हैं तो कितना होगा 2 आसन्न भुजाओं का योग। आसन्न भुजा कौन सी है आधार बी है आसन्न मतलब उससे एडजेसेंट हो उसे जुड़ी हुई हो तो बी और प्लस एक्स और वैसे भी जोड़ोगे तो परिमाप कैसे निकालते चार भुजाओं को जोड़ लो तो 2 तो बी आएगा 2 एक्स आएगा 2 कॉमन ले लिया तो बी प्लस एक्स बचेगा तो 2 आसन्न भुजाओं का योग अर्थात पी बराबर हो गया 2 बी प्लस एक्स आधार बी और वो कितना एक्स है। अच्छा क्षेत्रफल निकाले तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं समांतर चतुर्भुज का तो आधार जो कि बी है और इंटू ऊंचाई हाइट कितनी है एच है तो इसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल एरिया बराबर हो जाएगा बी इंटू एच आधार इंटू ऊंचाई। चलिए आयत होगा क्या जैसे ए बी सी डी ये एक आयत है तो कंडीशन क्या होती है आयत कहते कैसे पहले वो देखेंगे आमने सामने की भुजाएं कैसी होंगी बराबर व समांतर होती हैं आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर व समांतर होंगी। सेकंड पॉइंट है प्रत्येक कोण बराबर अर्थात 90° का होता है आयत में प्रत्येक कोण बराबर होगा चाहे कोण ए पे देखें चाहे कोण बी पे चाहे कोण सी पे चाहे कोण डी पे प्रत्येक कोण बराबर होगा और कितना होता है 90° होता है। तीसरी बात विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं ए सी विकर्ण बराबर होगा बी डी के तथा समद्विभाजित करते हैं ओ पर ये समद्विभाजित करेंगे ए ओ बराबर होगा ओ सी ऐसे बी ओ बराबर होगा ओ डी के समद्विभाजित करेंगे और कैसे होते हैं विकर्ण एक दूसरे के बराबर होता है ए सी विकर्ण बी डी के बराबर भी होगा। बात करते हैं आयत के क्षेत्रफल की तो क्षेत्रफल कैसे निकालोगे लंबाई मान ली हमने एल और चौड़ाई मान ली बी तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत के परिमाप की बात करें तो परिमाप क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई अगर एल लंबाई और बी चौड़ाई तो 2 प्लस बी हो जाएगा। तीसरी बात करें हम विकर्ण की डायगोनल निकालना चाहें ए सी विकर्ण तो ये समकोण त्रिभुज बनना है पाइथागोरस प्रमेय तो विकर्ण कैसे निकालेंगे रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर अर्थात जो ए सी विकर्ण होगा वो कितना होगा रूट में ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर। अच्छा जो ये क्वेश्चन होते हैं काफी इंपोर्टेंट होते हैं ना ये फॉर्मूले के तरीके से हमने यहाँ पर ले लिया है। देखिए क्या होता है आयताकार मैदान के बाहर ये आयताकार मैदान है ए बी सी डी ये आयताकार मैदान आपको दिखाई दे रहा है इसके बाहर एक्स चौड़ाई का ये एक्स चौड़ाई का ये रास्ता है इस आयताकार मैदान के बाहर ये वाला है वो एक्स चौड़ाई का क्या है एक रास्ता है इस रास्ते का हमें क्षेत्रफल बताना है ये वाला दिखाई दे रहा है ना ये वाला जो मार्ग गया है इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा तो कैसे निकालते हैं एरिया बराबर 2x जो इसकी चौड़ाई है 2x इंटू इसकी लंबाई आयत की एल प्लस बी और प्लस का 2x यानी एरिया बराबर होता है 2x एल प्लस बी प्लस का 2x यहाँ एल और बी आयत की लंबाई और चौड़ाई है और x क्या है उस रास्ते की चौड़ाई है जितने का वो उसके बाहर बनाया गया है।
अगर यही रास्ता अंदर बनाया जाए, देखिए यहाँ पर ए बी सी डी ये बाहर आए थे, इसके अंदर एक्स चौड़ाई का एक रास्ता बनाया गया है, इस ए बी सी डी के अंदर ये वाला एक ये रास्ता बनाया गया है, इसकी चौड़ाई भी कितनी एक्स, लेकिन ये पहले था इस ए बी सी डी आयत के बाहर, लेकिन अब है ए बी सी डी आयत के अंदर। तो फॉर्मूला क्या यूज होता है, वही आयताकार मैदान के अंदर एक्स चौड़ाई वाले रास्ते का क्षेत्रफल, तो कितना होगा एरिया बराबर अंतर इतना आता है 2x l प्लस b, या प्लस का 2x होता है, यहाँ कितना होता है माइनस का 2x, और बाकी फॉर्मूला सेम रहता है, एरिया बराबर 2x l प्लस b माइनस का 2x होता है। चलिए देखते हैं फिर वर्ग के बारे में, देखिए पांचवा पॉइंट है वर्ग, वर्ग के बारे में देखते हैं। यहाँ पर अभी वर्ग के बाद सभी कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में इन सभी के ऊपर क्वेश्चनों को देखेंगे। देखिए वर्ग स्क्वायर के बारे में क्या, चारों भुजाएं बराबर होती हैं तथा आमने सामने की भुजा कैसे होगी समांतर, फिगर में दिखाई दे रहा है आपको, चारों भुजाएं बराबर होंगी, ए बी बी सी सी डी डी ए चारों भुजाएं, अगर भुजाएं ए है तो चारों भुजाएं कितनी होंगी ए, यानी बराबर होंगी, और जो भुजा होती है वो आमने सामने की भुजा कैसी होती है समांतर होती है। अच्छा आयत में क्या होता था, यहाँ पर आमने सामने की भुजाएं कैसी होती थी बराबर, और ये आमने सामने की समांतर होती थी, यहाँ पर चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अच्छा सेकंड पॉइंट पर देखें क्या होता है, चारों कोण बराबर होते हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, तो आयत में भी यही होता था, चारों कोण बराबर होते हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तीसरे पॉइंट में देखेंगे इसमें क्या अंतर है, यहाँ पे अंतर है, देखिए विकर्ण बराबर होते हैं, वहां पे भी विकर्ण बराबर होते थे आयत में, तथा एक दूसरे को 90 अंश पर समद्विभाजित करते, समद्विभाजित तो करते थे आयत में लेकिन 90 अंश पर नहीं करते थे, वर्ग में जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 अंश पर, विकर्ण में दिखाई दे रहा होगा आपको, 90 अंश पर काटते हैं, वहां पर भी समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं आयत में लेकिन वो 90 अंश पर नहीं काटते हैं, 90 अंश पर किस पर काटते हैं वर्ग में, तो वर्ग और आयत में दो मेन डिफरेंस होते हैं, एक तो विकर्ण 90 अंश पर काटते हैं, दूसरा चारों भुजा कैसी होती है बराबर, वहां पे आमने सामने की भुजा कैसी होती थी बराबर होती थी। ये तो रहा वर्ग के बारे में। चलिए फॉर्मूले देखते हैं, क्षेत्रफल एरिया क्या होता है वर्ग का, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, अगर ए भुजा है वर्ग की तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है ना, और कैसे बोल सकते हैं, जैसे यहाँ से विकर्ण और भुजा में क्या रिलेशन होता है, विकर्ण बराबर होता है भुजा रूट टू, तो डी बराबर होगा रूट टू ए, यहाँ से ए का मान निकालें तो कितना हो जाएगा डी अपॉन रूट टू, और यहाँ पे लगाएं तो कितना हो जाएगा विकर्ण का स्क्वायर और डिवाइड में रूट टू का वर्ग करोगे तो दो, तो जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर लिख दें, या फिर बोल सकते हैं विकर्ण का स्क्वायर और डिवाइड में टू, ऐसे ही बोल सकते हैं। अच्छा परिमाप की बात करें तो परिमाप कितना होता है 4a, क्योंकि चारों बाउंड्रियों को जोड़ेंगे तो परिमाप निकला था 4a, अर्थात 4 इंटू भुजा, अगर भुजा कुछ अलग है तो अभी फिगर में a है तो a मान लिया हमने। अच्छा बात करें विकर्ण की, तो विकर्ण बराबर होता है भुजा रूट टू, भुजा कितनी है a, तो डायगोनल को d से डिनोट करते हैं विकर्ण को, तो d बराबर हो जाएगा रूट टू a। चलिए फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट जो हमने आयत में देखे थे सेम है, अगर वर्ग में कंडीशन बने फिर कैसे देखेंगे, देखिए वर्गाकार मैदान के बाहर, ये वर्गाकार मैदान है ए बी सी डी अंदर है, इसके बाहर की बात हो रही है, ये बाहर बना गया है, बाहर की ओर एक्स चौड़ाई का, कितनी चौड़ाई का एक्स चौड़ाई वाले रास्ते का क्षेत्रफल हमें बताना है, ये बाहर वाला इसके रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसका एरिया होता है 4x, x क्या है जो रास्ता बनाया गया एक्स चौड़ाई का वो, इंटू ए प्लस एक्स, ए है इस वर्ग की भुजा, जैसे वहाँ एल प्लस बी आता था लंबाई और चौड़ाई आयत की, यहाँ पर क्या आती है वर्ग की भुजा, जो मुख्य विकर्ण है उसकी ये मुख्य जो वर्ग है उसकी ये भुजा है, तो a बराबर होगा 4x a प्लस एक्स, ए वर्ग की भुजा x है और रास्ते की चौड़ाई। पांचवा पॉइंट देखिए वर्गाकार मैदान के अंदर a b c d ये वर्गाकार मैदान है, इसके अंदर ये वाला वर्ग बनाया गया है, ये वाला रास्ता बनाया गया है, तो वर्गाकार मैदान के अंदर x चौड़ाई वाले रास्ते का क्षेत्रफल, तो ए बी सी डी के अंदर अगर x चौड़ाई का रास्ते का क्षेत्रफल बनाया जाए, ये वाला क्षेत्रफल बनाया जाए, इस वर्ग के भीतर है और ये वर्ग के बाहर था, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो एरिया बराबर कितना होता है वही प्लस माइनस का डिफरेंस होता है, एरिया बराबर होता है 4x और ब्रैकेट में a माइनस एक्स, यहाँ एक्स रास्ते की चौड़ाई है, ए वर्ग की भुजा है, समचतुर्भुज पे समलंब चतुर्भुज पे समांतर चतुर्भुज आया, तो वर्ग इन सभी के ऊपर जो भी कॉन्सेप्ट एज ए फॉर्मूला थे जो भी पॉइंट थे वो उन सभी को कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सभी के ऊपर जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।